नरेंद्र मोदी साहब जो है जपियां डाल रहे हैं, जो बाइडेन के साथ भी डाल रहे हैं, एमनुअल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडू के साथ भी डाल रहे हैं, एंड आप उनकी फ्रैंकनेस लेवल चेक करें, खासतौर पर इंडिया जो कि हमारा एक आर्क राइवल है, उसको दुनिया की ग्लोबल स्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है। अब आप देखें कि अभी जो रिसेंट G7 समिट हुआ है जर्मनी में, तो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ G7, बट उसको एज अ ऑब्जर्वर या नॉन G7 मेंबर के हैसियत से उसे बुलाया गया और उसको वो उसका जो ड्यू प्रोटोकॉल है वो दिया गया। हम देखते हैं कि जो ब्लॉक G7 है उसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें 600 अरब डॉलर जो है वो प्रोजेक्ट के लिए रखे गए हैं, ये उसका बदला है। ये वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट था जिसके तहत सीपैक जो है वो लॉन्च हुआ है, ये उसके लिए एक अल्टरनेट प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है और पाकिस्तान को फिर इसमें से बाहर इनको जैसे डीप थिंकिंग है ना वो करने की जरूरत है, अदरवाइज श्रीलंका बनते देर नहीं लगेगी। आसानी बात है वो जो काम कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूं कि। तो दोस्तों ये छोटा सा क्लिप देखा आपने, मोदी जी का जलवा आपने G7 में देखा होगा। G7 समिट हो रहा है जर्मनी में, जर्मनी में ये हो रहा है आपको पता होगा। इसके अलावा ये समिट इसलिए खास रहा क्योंकि एक वीडियो आता है छोटा सा जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुद जो बाइडन जो भी बोले आप, पीछे से आकर खुद मिलने आते हैं और हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद ये दृश्य पाकिस्तान में ऑब्वियसली उनकी आंखों में ये चुभना था और वही कुछ हो रहा है और वो सोच रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है यार, पाकिस्तान सोच रहा है कि भारत को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंस हम डेफिनेटली डिज़र्व करते थे काफ़ी सालों से, एज अ कंट्री हम इतने बड़े कंट्री थे, इतना स्किल था हमारे लोगों के अंदर, लेकिन अब वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं फिर वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़। एक G7 की मीटिंग जर्मनी में हो रही है और वैसे तो ये ज़्यादातर जो मीटिंग है वो इसका फोकस यूक्रेन पे है, इंडो पैसिफिक पे है, इन चीज़ों पे है, लेकिन ये जो आपको पता है 7 ग्रुप ऑफ 7 वेल्दी डेमोक्रेसीज जो हैं और ये दुनिया का बहुत बड़ा जो एजेंडा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड ऑर्डर में, ये सेट करते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इंडिया और इंडोनेशिया जो है उसको ये इंक्लूड कर रहे हैं एज ए पार्टनर कंट्रीज, और इसके फौरन बाद एक समिट हो रही है स्पेन में जिसमें कोई 30 मेंबर स्टेट्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, जिसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर, साउथ कोरियन और बहुत सारे और जो ममालिक हैं, और ये बेसिकली मेरा ख्याल है पहली दफ़ा ये एशियन कंट्रीज़ को भी साथ इसमें बुला रहे हैं। अब अगर आप देखें कि ये जो US, UK, कैनेडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, ये जितने भी ममालिक हैं अलॉन्ग विद दिस यूरोपियन यूनियन एज वेल, ये इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि हमें किस तरह इस वक्त रशिया को जो है वो इंगेज करना है, किस तरह रशिया से जो है वो रशिया के अगेंस्ट एक नैरेटिव बनाना है और चाइना के अगेंस्ट भी नैरेटिव बनाना है। लेकिन आपको हैरानगी होगी ये सुन के और देख के कि 2 दिन पहले तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो जो चाइना ने एक हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया है वो उसका भी मेंबर थे और वहाँ पे भी बैठे हुए थे। वो उससे पहले जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई जहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुटिन थे और बाकी ब्राज़ील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और बाकी जो चाइनीज थे वो बैठे हुए थे और वो टोस्ट कर रहे थे जनाब कप जो था और एक फ्रेंडशिप और इसकी बातें हो रही थी। इधर जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूरोप आ गए हैं और यहाँ पे आके वो बैठ के, तो वो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त बहुत सारे जो डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव में जो प्राइमरी डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव है फॉर द G7 वो इंडिया को वेस्टर्न साइड के करीब करना है, एंड आई एम टेलिंग यू विद द फुल जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, और ख़ासतौर पर यूक्रेनियन जो यूक्रेन की वॉर है उसके ऊपर वो जो इसको बड़ा करीब करना चाहते हैं। इंडिया ये तो कहता है कि ठीक है जंग नहीं होनी चाहिए और इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडिया जो है वो जिस तरह एक वेस्टर्न ब्लॉक में इतना करीब हो गए, देखिए चाइनीज इतने करीब नहीं है जितना इंडिया करीब है, इतने करीब हो के
जहरी बात है वो जो काम कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है कि वो ब्रिक्स में भी थे, वो हाई लेवल ग्लोबल डायलॉग ऑन डेवलपमेंट जो कि जिसको चाइना इनिशिएट कर रहा है। अब चाइना और इंडिया के मामलात बताने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे कि उनके आपस में क्या मामलात है, आइदर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और इकोनॉमी, अक्सर मैं उस प्लेटफॉर्म पर बात करता रहता हूँ। अब जो है वो जो है ना नरेंद्र मोदी साहब जो है जफियाँ डाल रहे हैं, जो बाइडेन के साथ भी डाल रहे हैं, एमनुअल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के साथ भी डाल रहे हैं, एंड आप उनकी फ्रैंकनेस लेवल चेक करें। और यहाँ पे जिस तरह आज मैं कह रहा था कि जो चाइनीज हमारे दोस्त हैं वो सानू अपने उन्होंने जो हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग बुलाया उसमें हमें बुलाना छोड़ गए। सो कश्मीर कहाँ पर रह गया, डायलॉग कहाँ पर रह गए, चीज़ें कहाँ पर रह गई, ये बहुत बड़े बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तान को जैसे डीप थिंकिंग है ना वो करने की जरूरत है। दिस इज़ वॉट आई बिलीव इन। अब इसीलिए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल ने कहा था कि वी आर डीपली डिसंगेज विद द वर्ल्ड। और अब ये जो चीज़ें हैं कि क्या इंडिया को वो इंगेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका जो है वो बार बार ये कह रहा है जनाब कि हम जो है वो 200 अरब डॉलर जो है इकट्ठा करेंगे, हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करना है। अभी भी इसमें ये जो अभी मुलाकात हो रही है इसमें भी ये बात हो रही है कि वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट एंड पब्लिक फंड जो हैं अगले 5 सालों में इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर सकें। अच्छा, अगर आपको याद हो जो G7 की मुलाकात इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लंदन में हुई थी, ग्लासगो में हुई थी, जहाँ पे ये सारे इन्वायरमेंट के वाले से बात हुई और नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए, सारे गए, वहाँ पे इन्होंने एक इनिशिएटिव दिया था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड BW3 समथिंग लाइक दिस, B3W आई थिंक, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से जो इन्होंने एक इनिशिएटिव दिया था। अब उसमें इन्होंने बड़ा पैसा लगाने की बात की, कहा जी कि हम तो 40 अरब डॉलर उसमें उस वक्त आई थिंक मुझे याद नहीं है या इतना जो है वो पैसा इकट्ठा करेंगे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि नहीं हम 200 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज वो पुटिंग समवेयर अराउंड 1 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है इन दिस BRI। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जितनी भी ज़्यादा जितने इस वक्त सारे वेस्टर्न ममालिक परेशान हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन और इन चीज़ों से, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जो जो मेजर डिस्कशन इस वक्त होनी थी यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में, वो तो होनी थी बेसिकली कि जी हम जो है वो क्लीन एनर्जी पे किस तरह काम करेंगे। अच्छा, क्लीन एनर्जी पे ये काम करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि जो 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 चैलेंजेस आए उसको कि हम पिछले तकरीबन 10 से 20 साल या अगर 25 साल को हम देख लें तो हम बहुत पीछे रह गए इन चीज़ों में। आज दुनिया हमें सीरियस नहीं लेती, क्या ऐसी कमजोरियां क्या हुई जिसके ऊपर हमने काम नहीं किया, या हमने इसको कहा कि यार ठीक है हम बस चल रहे हैं दुनिया हमेशा में इसी तरह, अमेरिका भी हमें हाथों हाथ लेगा, अरब कंट्रीज भी हमें इसी तरीके से रखेंगे और बाकी दुनिया भी करेगी, लेकिन अब लगता है कि दुनिया की सोच काफी चेंज हो चुकी है। बिल्कुल फखर, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक का आपने इंतखाब किया है हमारी फॉरेन पॉलिसी के कॉन्डक्ट के हवाले से। जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमारी फॉरेन अफेयर्स में हमने काफ़ी वीकनेस शो की है, जब हम देखते हैं उसका मुकाबला करते हैं अपनी नेबर्स के साथ, खासतौर पर इंडिया जो कि हमारा एक आर्क राइवल है, तो उसको दुनिया की ग्लोबल स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। अब आप देखें कि अभी जो रिसेंट G7 समिट हुआ है जर्मनी में, तो इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ G7 बट उसको एज अ ऑब्जर्वर या नॉन G7 मेंबर के हैसियत से उसे बुलाया गया और उसको वो उसका जो ड्यू प्रोटोकॉल है वो दिया गया। फिर अब देखें कि इंडिया ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि वो G20 का समिट जम्मू एंड कश्मीर में, जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे होस्ट करेगा। यानी आप यू कैन इमेजिन द कॉन्फिडेंस दैट इंडिया हैज गेन्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज के एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी विच इज डिक्लेयर्ड डिस्प्यूटेड बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ पे वो G20 समिट का इंडिया दे रहा है। अब इन सब चीज़ों की वजूहत क्या है, वाई इज़ इंडिया मेकिंग सो मच प्रोग्रेस ऑन द फॉरेन अफेयर्स फ्रंट एंड हम क्यों पीछे रह गए हैं। हालांकि पाकिस्तान का जो हमारा जो फॉरेन सर्विसेज जो ग्रुप है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल और जो इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स इन द फॉरेन ऑफिस, मैं उनकी कैलिबर को देखता हूँ क्योंकि
एक रिक्रूटमेंट से गुजरते हैं, यू नो कि सीएसएस एग्जाम होता है, फिर उनकी इंटरव्यू स्टेज, फिर एक बड़ी एक्सटेंसिव उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो उस स्टेजेस पे जाते हैं। अब देखें उसमें काफ़ी वजूहात है कि हमारी क्यों फॉरेन पॉलिसी हम लैग कर रहे हैं इंडिया से। एक तो उसमें थोड़ा सा जो हम अगर देखें तो हमारे जो कुछ सर्कमस्टांसेस रहे हैं पाकिस्तान के, तो उसका एक बड़ा रोल रहा है, खास तौर पे इन द आफ्टरमैथ ऑफ द 9/11, जब हम वी वर कॉट इन द वॉर ऑफ टेरर, तो उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी थी कि हम कैपिटलाइज कर पाते अपनी डिप्लोमेसी को एज अ। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन हो रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, कमर चीमा बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। कमर चीमा अब थोड़ा सा सेंसिबल हो चुके हैं। अगर कमर चीमा को आप पिछले एक साल की निकाल कर पुराने कमर चीमा देखें तो डेफिनेटली इनका माइंडसेट वही था जिहादी वाला। अब वो चेंजेस आपको भी पता है कि क्यों है, मैं उसके बारे में जाऊँगा नहीं। तो कमर चीमा तो सेंसिबल बातें कर रहे हैं। अब गाइज आपको भी पता है कि भारत एक 70 साल से इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा देश होने के बावजूद दुनिया में हमें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। ऑब्वियसली रीज़न बहुत सारे हैं, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ नहीं, वो आपको खुद सोचने पड़ेंगे क्या गलतियाँ थी हमारी स्टार्टिंग से और क्या गलतियाँ नहीं थी। लेकिन पिछले आप देख रहे हो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद भारत की कुछ इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है और भारत उस इम्पॉर्टेंस का फ़ायदा उठा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों से उठा रहा है, बड़े बड़े देशों से उठा रहा है। रशिया से आप देखो कितना अच्छा हमने फ़ायदा उठाया, तेल देख सकते हो आप, अभी पूरी दुनिया में ऐसा तेल का रेट चल रहा है लेकिन हमने सब कुछ भूल भाल के, पूरे क्राइसिस और ये और वो अमेरिका प्रेशर जमाना सब कुछ भूल भाल के हमने रशिया से तेल लिया, जो कि हमारे लिए अभी काफ़ी फ़ायदेमंद है। यहाँ के आम लोगों को पता है कि यूक्रेन और ये जो रशिया की वॉर की वजह से कितना क्राइसिस है, तो पूरी दुनिया में ऑयल के क्या रेट हैं, तो आप समझ सकते हो दोस्तों ये है। और भारत अगर इसी तरीके से जाता है तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हम आगे अपना फ्यूचर ब्राइट देख रहे हैं। काश 1947 में कुछ गलतियां ना होती, जिसका आप देख सकते हो आज एक बहुत गंदी घटना हुई, मैंने देखा ट्विटर पर, वो घटना देखने के बाद ऐसा खून मतलब बॉयल हो रहा था मेरा कि मैं समझ में नहीं आ रहा था करूं क्या। घटना आपने देखी होगी डेफिनेटली, राजस्थान कैसा मतलब क्या सीन है। 1947 में अगर बहुत सारी गलतियाँ ना होती, हमारी आबादी 70 के अंदर होती, 70 करोड़ के अंदर, तो डेफिनेटली आज हम सुपर पावर होते और हमें बहुत ही मतलब यहाँ के जो मतलब यहाँ पे जो सीन होता है, यहाँ पर जो योजनाएं चल रही होती वो ये नॉर्मल यही मतलब आप समझ सकते हो टॉयलेट ना बन रहे होते एटलीस्ट आज। टॉयलेट 2019 में आके हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ये ना बोलते कि 2019 में आज भारत में सभी लोगों के घर में टॉयलेट है, ये सीन तो ना होता। कुछ मतलब फ्यूचर की योजनाएं चल रही होती। दोस्तों वीडियो खत्म होता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को